नमस्कार, मैं आचार्य लोकेश धमीजा। न्यूमरोलॉजी राशिफल में आज बात करते हैं 8 मार्च 2022 की। जानिए सभी मूलांक वालों का दिन आज कैसे रहने वाला है। बात करते हैं मूलांक नंबर एक की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर एक। ऑफिस में सावधानी के साथ काम करने की आज आवश्यकता है। पर्सनल काम को पूरा करने में आज आप व्यस्त रहेंगे और बिजनेस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल से रुके कामों को गति मिल सकती है। बॉस के साथ आज वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है और जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव रहेगा। यदि कुछ समस्या लगे तो आज दलिये और गेहूं की रोटी का सेवन कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर दो की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर दो। बिजनेस में जल्दबाजी में डिसीजन लेना आज हानिकारक हो सकता है। माता की सलाह लेकर काम करने से आज थोड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। मौसमी बदलाव के कारण हेल्थ में इश्यूज भी आ सकते हैं और घर में सीलन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यदि कुछ समस्या लगे तो चावल की खीर शिवलिंग पर अर्पण कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर तीन की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर तीन। विद्यार्थी अनुशासन में आज रहेंगे और शिक्षा को लेकर गंभीर दिखाई देंगे। बिजनेस में आप अपनी अपेक्षा से ज्यादा अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे और संतान की उच्च शिक्षा के लिए भी कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज विष्णु जी के मंदिर में जाके आराधना कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर चार की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर चार। आज परिवार के साथ विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। बिना सोचे निवेश करने से आज हानि उठानी पड़ सकती है। बाहर का खाना खाने से पेट से संबंधित कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। आज कुछ समस्या लगे तो गंगा जल में स्नान कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर पांच की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर पांच। बिजनेस आज नॉर्मल रहेगा, अधिक लाभ की उम्मीद ना रखें और ब्लेसिंग्स के साथ आज काम करेंगे तो आपकी योजनाओं को आज रास्ता मिलेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों की आज सलाह सुनें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। कांसे के बर्तन मंदिर में दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर छह की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर छह। आज निजी खर्चों की अधिकता रहेगी, पैसों की कुछ तंगी भी हो सकती है। जीवन साथी से हर क्षेत्र में आपको सहयोग प्राप्त होगा। संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आज ब्राइट कलर्स के कपड़े डालिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर सात की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर सात। दाम्पत्य जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। आपके द्वारा बोली गई बात से आपका जीवन साथी आज आहत हो सकता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर आठ की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर आठ। ऑफिस में आपके अधिकारी आपके रचनात्मक विचारों से आज प्रभावित होंगे। सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का आज मौका मिलेगा। काले रंग के वस्त्रों का आज परहेज कीजिए, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मूलांक नंबर 9 की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है नंबर 9। कुछ बनते कामों में आज देरी हो सकती है। धैर्य और संयम से कार्य लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। घर के अनुभवी सदस्यों से आपको उचित सलाह मिलेगी और कोई मांगलिक कार्य की तैयारी भी हो सकती है। आज बजरंग बाण का पाठ आपको लाभ देगा। आज हमने बात की 8 मार्च के राशिफल की। कल मिलते हैं 9 मार्च के राशिफल के साथ। नमस्कार।